यार भैया चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज सेम है, लेकिन जो फीलिंग इसकी है चलाने की वो नेक्स्ट वाला फील नहीं है। थार में देखो लाख कमियां है कि एवरेज नहीं देती है, कंफर्टेबल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पीछे आप 5 लोग भी नहीं बिठा सकते। गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो भाई बहुत से यंगस्टर्स की जान है महिंद्रा की थार, और भाई अंदर जो बैठे है ना उनके पास भाई नेक्सॉन है, और नेक्सॉन उन्होंने कितनी चला रखी है, कैसा फील आता है वो भी पूछेंगे, और अब इनका जो मन है भाई वो थार की तरफ जाने का है। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं, और भाई यार आप खुद बताओ भाई क्या गाड़ी है यार ये, सच बताऊं बहुत ही जबरदस्त गाड़ी है यार। इसकी ऑफ रोडिंग, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी लुक, मतलब कहीं पे भी ले जाओ आप गाड़ी लोग इसके बारे में पूछते ही पूछते हैं भाई। तो चलते हैं सबसे पहले अंदर, भाई से पूछते हैं। भाई हमारे अनुज जी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। अनुज जी अभी कौन सी गाड़ी आपके पास? मेरे पास है नेक्सॉन। नेक्सॉन कितनी चला दी आपने? अराउंड 60,000 चला दी है। तो वो पेट्रोल में है डीजल में है? पेट्रोल में। तो उसको क्या फील है, उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छी गाड़ी है, फील भी अच्छी है, कंफर्टेबल है, हर चीज है। अच्छा, आप थोड़ी एवरेज कम है। एवरेज कम है। और नेक्सॉन का जो नया फेसलिफ्ट आ गया उसके बारे में क्या व्यूज हैं आपके? बहुत अच्छी है। तो जो नॉर्मल नेक्सॉन से उससे फेसलिफ्ट वाला मॉडल तो बहुत बेटर ही है। और आपके पास कौन सा मॉडल था? मेरे पास है टॉप मॉडल है 2017 का। 2017 मतलब जो सबसे पहले था? स्टार्टिंग में, जब जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुई थी 2017 मॉडल, सबसे पहले वाला मॉडल था। ठीक है, जो आपको 60,000 आप चला चुके हो, ठीक है, पेट्रोल में। और उसका पिकअप वगैरह कैसा लगता है आपको? बढ़िया। तो अब ये जो गाड़ी में बैठे हो भाई, इसकी फील अलग है। क्या फील है इसकी? एक तो सी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह। एक चीज बताओ, जितना ऊपर इसमें बैठे हुए हो उतना ऊपर नेक्सॉन में बैठने को मिलता है? इसमें तो आपको ऐसा लग रहा है आप नेक्सॉन की छत पे बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि मैं फॉर्च्यूनर चला रहा हूँ। फॉर्च्यूनर चला रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, आपने एवरेज की बात करी है भाई, जो थार पेट्रोल में आती है उसकी एवरेज तो इतनी ही होगी जितनी नेक्सॉन दे रही है? बिल्कुल। और डीजल में जो है वो 10 साल वाला है दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में। बिल्कुल। तो फिर कैसे लोगे फिर ये गाड़ी? यहाँ भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज सेम है, लेकिन जो फीलिंग इसकी है चलाने की वो नेक्सॉन में फील नहीं है। नेक्सॉन को आप कभी हाईवेज वगैरह पे ले गए हो? जी बिल्कुल ले। तो मतलब फैमिलीज वगैरह के साथ? तो फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये गाड़ी। मेरी फैमिली के लिए तो गाड़ी लेनी नहीं थी, एक फैमिली के लिए गाड़ी पहले भी है और एक और लेने की सोच रहा हूँ मैं। तो ये तो बस मैं एक अच्छा मतलब ये सेकेंडरी कार अपने लिए है। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी कार हो गई अपने लिए। तो फिर भी इसको लेके घूमने तो जाओगे ही? बट ऑफ कोर्स आपको पता, मेरी मम्मी तक ट्रैवल करती नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सेकेंडरी कार के रूप में आप लेना चाहते हो। और इसकी ड्राइविंग कैसी लग रही है? मतलब नेक्सॉन तो काफी अच्छा रिफाइन इंजन है और ये डीजल आप चला रहे हो, तो इसकी आवाज आपको साउंड इसमें है नहीं, साउंडलेस है। और इसका गियर वगैरह शिफ्टिंग वगैरह कैसी लग रही है? टाटा गियर मैनुअल है और बढ़िया टाटा से कंपैरिजन सेम ही है, मतलब गियर में तो सेम गियर आते हैं इसमें भी और नेक्स्ट वन में भी, 6 गियर उसमें 6 गियर इसमें। और पिकअप इसका नेक्स्ट वन से ज्यादा 1.2 लीटर है वो टर्बो इंजन के साथ आता है। हाँ। और ये 1.5 है डीजल वाला इंजन। तो इसका उससे ज्यादा आपको लग रहा है? ऑफकोर्स 1.5 लीटर और 1.2 लीटर वो भी डीजल। तो फिर मतलब 20 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा इसका टॉप मॉडल। तो कौन सा वाला वेरिएंट हो गया आप? ये मैं तो मिडिल वाला सोच रहा हूँ जो अराउंड 14-15 लाख का आ रहा है डीजल में, या पेट्रोल में तो सस्ता है कह रहा। हाँ, पेट्रोल में सस्ता है, डीजल में। बाकी भाई ग्राउंड क्लियरेंस आप देखो बिल्कुल इतना ऊंचा यार, इनोवा हाई क्रॉस के बराबर है। मतलब इसके जैसी रोड प्रेजेंस आई डोंट थिंक किसी और गाड़ी की है भाई। थार तो थार है, मतलब थार का कोई कंपैरिजन नहीं है इसकी। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर लाख बुराई है ना, उसके बाद भी ये थार है, लोग इसको हंसते खेलते ले लेते। तो कि मैं अभी देखने गया था, वेटिंग 6-6 महीने की वेटिंग है। तो मेरे को वही नहीं समझ आ रहा ना कि भाई थार में देखो लाख कमियां है कि एवरेज नहीं देती है, कंफर्टेबल नहीं है, और दूसरी बात यह है कि पीछे आप 5 लोग भी नहीं बिठा सकते, उसके बाद भी लोग लेने को तैयार है। भाई क्या रीजन है ये? वेटिंग चल रही है और लोग पागल हुए बड़े हैं थार थार थार। हाँ, जो उसकी लुक वाइज है कि भाई इसकी रोड प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है, इसकी लुक बहुत जबरदस्त है, नो डाउट। बट लेकिन जब चलाते होंगे तो दिक्कत नहीं होती होगी लोगों को? आप देख लो आपके सामने ही बढ़िया मजा आ रहा है भाई। ड्राइवर को तो मजा आएगा लेकिन जो पीछे बैठेंगे वो देखो बहुत ही स्टेबल है। आप इतनी स्पीड पे भी एग्जैक्ट करोगे, मतलब जो इसका नेचर है वो आपको दिखाएगी। रोड बंद है, इसके अगला वाला है। बाकी थोड़े से इसके सस्पेंशन जो है आई थिंक वो झूल रहे हैं, झुलाते हैं आपको, लेकिन वो फील देंगे क्योंकि ये भाई ऑफ रोड का क्या मतलब है, पर्पस क्या है ग्राउंड क्लियरेंस इतनी होने के बाद
इसका जो मेन पर्पज यही है ना कि भाई आपको गड्ढे रोडों पे ले जाएगी और झुलाते हुए अपना आराम से राइड कराएगी, तब तक फील ही नहीं आएगा। जैसा कि लोगों को पुरानी वाली सफारी में और स्कॉर्पियो की बात करोगे तो उसमें आता था कि भाई एक फील आता था जब इसके अंदर चलते थे, तो वही वाला फील है। बाकी गियर स्मूथ है इसके, आराम से कोई लग तो नहीं सकता। बाकी आप देख सकते हो भाई ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत ही जबरदस्त है, ऐसा लगेगा पता नहीं कितनी ऊंची गाड़ी में बैठे हो, तब बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन पे है। और एक चीज और देख रहा हूँ, देखो लोग साइड हो जाते हैं इसको देख के, अगर आपको लोग इसको देख के रास्ता दे देंगे आराम से। तो क्या कहते हो अनुज जी, ले ली जाए गाड़ी? नहीं लेनी चाहिए, पर लेकिन इसके अंदर फिर 5 डोर आ रहा है, टेस्टिंग चल रही है उसकी, क्या कहते हो? कोई नहीं भैया, पहले आप देखते हैं, आज इवनिंग में चल के पहले ट्राई करते हैं कब तक वेटिंग क्या है इसकी। बाकी एसी ने भी सही काम कर दिया भाई, कोई ऐसे गर्मी कोई गर्म गर्मी नहीं लग रही, बिल्कुल बढ़िया ठंडा कर दिया है ना। बाकी सेंट्रल कंसोल वगैरह भी आप देख सकते हो, और फिर क्या मतलब क्या विचार बने, ले सकते हैं, ली जा सकती है नहीं? और क्या क्या रीजन, मतलब मैं एक चीज सोच रहा पूछ रहा हूँ जो मैं पहले भी कह रहा था कि इतनी इसमें लाख कमियां है, फिर क्यों हार क्यों? जो इसका चलाने का फील है, ग्राउंड क्लियरेंस है, आप वो चीज वो सब चीजें देखो आपको, और इस रेट में बाकी किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। और जो सेटिंग पोजीशन वगैरह और आपका जो लुक्स इसके टायर, आपको इस रेंज में किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। जो चीज महिंद्रा ऑफर कर रही है थार में आपको, वो चीज आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। भाई ने तो डन कर लिया, अब देखो कब तक आती है, हो सकता है भाई 5 डोर के लिए वेट करेंगे। तो भाई वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी अच्छा लगा हो तो यही लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई यही रीजन है भाई क्यों लेते हैं लोग थार, आपको समझ में आ गया होगा।